और ये लो सरफरी औरत अपनी पूरी जिंदगी बनाई रखी। उसे राजनीति के बारे में पता ही क्या है? कॉन्वेंट में पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली मैडम का यहाँ क्या काम? उसको क्या लगता है उसने अकलमंदी का काम किया है? देखते जाओ अभी क्या तमाशा होने वाला है। सबसे होशियार ऑलराउंडर विद्यार्थी शक्ति शेषाद्री, तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। शक्ति प्लीज, आपसे अपने फ्यूचर अपनी लाइफ की भीख मांगती हूँ। इस दुनिया से मुझे कितनी भी नफरत क्यों ना हो, अब मैं कहीं नहीं जा सकती। सिनेमा की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है शक्ति, आज एक स्टार पैदा हुआ है। मेरी किस्मत उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन मैं उनसे मिली थी। तुम मेरी रानी बनोगी, महारानी। और उनके साथ मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं थी। साउंड एक्शन। जीएमआर आपको बहुत संभाल कर रखना चाहते थे, पर दूसरा ज्यादा सही तरीका है कि वो मुझ पर अपना हक समझते थे। हीरोज अक्सर अलग अलग हीरोइंस के साथ काम करते ही रहते हैं। मैं भी अलग अलग हीरोज के साथ काम कर सकती हूँ ना। मैं हूँ चैतन्य। मैंने तुम्हें बनाया है, मैं बर्बाद भी कर सकता हूँ। तुम्हें सबकी आदत डाल लेनी चाहिए। क्या हम जल्दबाजी कर रहे हैं शक्ति? आप राजनीति में कैसे आई? वो मुझे एक बार फिर मिले, आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मुझे लगा था मुझसे मिलने जरूर आओगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि शक्ति कौन है। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। माँ बनने के लिए बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है।